नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे अप्रैल के महीने में बदल जाएंगे आपके जीवन से जुड़े हुए ये नियम। कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। लगातार हो रहे परिवर्तन को हम एक नए बदलाव के रूप में देखते हैं। हमारा जीवन भी एक डिसिप्लिन है जिसके तहत वह चलता है, जिसमें हमें 24 घंटे के अंदर अपने एक दिन की दिनचर्या को पूरी करनी होती है। हमने पहले ही कहा कि परिवर्तन संसार का नियम है। ऐसे में हर महीने कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलता है जिसका संबंध देश के हर आम और खास लोगों को होता है। ऐसे में आइए जानते हैं 1 अप्रैल से हमारे जीवन से जुड़ी हुई किन किन नियमों में बदलाव हो रहा है। आइए सबसे पहले बात करते हैं बिहार में 1 अप्रैल से बिजली की दर में होगी वृद्धि। प्रदेश में 1 अप्रैल से बिजली की बिल की दर लागू हो जाएगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने यह फैसला लिया है कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 में बिजली की दर 0.63% की वृद्धि को अनुमोदित किया है। आयोग के फैसले से बिजली की नई दर 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इससे पहले बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1,403.05 करोड़ का प्रस्ताव दिया था। आइए आप दूसरे नियम के बारे में जानते हैं। तो दूसरा जो नियम है, 1 अप्रैल से कार की जरूरी होगी डबल एयरबैग। सरकार ने अब वाहनों के आगे की सीट यात्रियों के लिए एयरबैग को अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि वाहनों के आगे ड्राइवर की सीट के साथ बैठने वाले यात्रियों के लिए एयरबैग को अनिवार्य करने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी की है। उन्होंने कहा है कि यह महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। आपको बता दें कि इसको लेकर उच्च न्यायालय ने सुझाव दिया था। इसके साथ ही पुराने वाहनों को 31 अगस्त 2021 के मौजूदा मॉडलों के आगे की ड्राइवर के सीट के साथ एयरबैग को लगाना अनिवार्य होगा। अगला है, 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस के बदल जाएंगे नियम। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो यह खबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 अप्रैल से इंडियन पेमेंट बैंक ने अब निकासी जमा करने के आधार आधारित पेमेंट सिस्टम पर चार्ज लगाने का फैसला किया है। यह आपका बेसिक सेविंग अकाउंट है तो हर महीने आप 4 बार निकासी फ्री में कर सकते हैं। इसके बाद हर ट्रांजेक्शन पर मिनिमम 25 रुपये या फिर वैल्यू के आधार पर 0.50% चार्ज के रूप में काटा जाएगा। इसके बाद का जो नियम है वह 1 अप्रैल से बदल जाएगी आपकी सैलरी स्लिप की डिटेल। सैलरी का नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। बता दें कि नई वेतन कोड के अनुसार महंगाई, यात्रा और किराया के मकान का भत्ता समेत सभी भत्ते कुल मिलाकर 50% से ज्यादा नहीं होंगे। यानी कि अगर आपकी CTC 20,000 रुपये है तो सभी भत्ते मिलाकर 10,000 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे पैकेट बंद पानी बेचने वाले कंपनियों के नियम। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने पैकेट बंद पानी और मिनरल वाटर विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या फिर पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BSI का प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को भेजे पत्र में कहा है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार 2008 के तहत सभी खाद्य कारोबार परिचालकों FBO के लिए सभी खाद्य कारोबार को शुरू करने से पहले लाइसेंस या पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। यह निर्देश 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। SBI, HDFC, ICICI ग्राहकों को 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी SMS की सर्विस। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार ने चूक करने वाले यानी कि डिफॉल्टर कंपनियों की लिस्ट जारी कर दी है। प्राधिकार ने कहा है कि बार बार कहने के बाद भी इन कंपनियों ने बल्क SMS चालू रखा है। ट्राई ने साफ साफ कहा है कि डिफॉल्ट करने वाली इकाइयों को इन नियमों को 31 मार्च 2021 तक पूरा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर 1 अप्रैल 2021 से उनका ग्राहकों के साथ संचार बाधित हो जाएगा। तो ये थे 1 अप्रैल से बदलने वाले नियम। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।